So Nagar is a small town in district of Kullu and it is very close to Manali. So Nagar ki na usually log ek din ki trip karte hain Manali se taxi book karke they come to Nagar see all the places because ek hi din lagta hai Nagar mein sari places dekhne ke liye and then they go back. However for this weekend I really wanted to come to a place which is quiet so isliye main Manali nahi gayi and I wanted to see all the unexplored places that are there in Himachal because Manali anyway I have been there multiple times and Nagar was the perfect place like the perfect choice for me. So Nagar aane ke liye you have to get a bus to Patli Kuhal. So jo Manali bus ja rahi hoti hai wo bhi Patli Kuhal aapko utar degi and wahan se you get a taxi to your property. Coming to the property, I have booked an amazing property, a newly built one, जिसका नाम है Unwind Nagar. Now this is right in the center and सारी tourist attractions बहुत पास में हैं. You have the option of private rooms and dorms as well. Obviously amazing. केम है तब से ही ना मौसम इतना अजीब सा हो गया. पहले धूप थी हमें तो लग रहा था कि गर्मी मिलेगी बिकॉज ऑनलाइन टेम्परेचर 21 के आसपास दिखा रहा था बट इट हैज़ बीन सो क्लाउडी सो विंडी एंड हल्की हल्की बारिश भी अब पड़ने लग गई है. हाउएवर इट इज़ अ वीकेंड ट्रिप सो मैं नहीं चाहती हम अंदर ही बैठे रहे सो हमने अम्ब्रेला वगैरह मंगवा लिया है. मंगवाया नहीं एक्चुअली द ओनर इज़ स्वीट इनाफ उन्होंने अम्ब्रेला खुद ही पकड़ा दिया कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट एंड एक्सप्लोर तो आप अम्ब्रेला साथ ले जाइए एंड पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे लाइक अराउंड 500 मीटर नगर कैसल है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर एंड उसी के आसपास ना काफ़ी सारे कैफेज हैं. सो आई गॉट सम रिकमेंडेशन फ्रॉम माई फ्रेंड्स एज वेल एंड द ओनर हेल्प्ड अस आउट कि आप कहाँ क्या क्या खा सकते हो. सो दे हैव देयर ओन कैफे एज वेल विच इज़ Unwind Nagar कैफे ओनली तो हम वहाँ भी जा सकते हैं बट लेट्स सी बीच में जो भी आता है हम कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी है एट दिस मोमेंट एंड या लेट्स गो. Like even 500 meters it was like 200-300 and behind me is Nagar Castle and aspas as you can see kafi sare cafes hain and we are going inside cafe downtown as recommended by our owner wahan par. दिख रही कंफर्म
famous tourist attraction in Nagar is the Nagar Castle, and this was built in 1460 AD. And उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज शूट हुई थी, सच एज जब वी मेट, उसका फेमस सॉन्ग शूट हुआ था, देन गीत एंड अ लॉट ऑफ मूवीज जो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है जितनी भी शूट की गई थी. एंड दिस हैज़ ऑल्सो बिकम अ हेरिटेज होटल आफ्टर दैट. सो अगर आप स्टे करना चाहते हैं, यू कैन स्टे इन दिस प्रॉपर्टी एज वेल. नॉट स्टेइंग इन नगर कैसल, तो यहाँ पर कैफे भी है, दैट्स द सिटिंग एरिया, सो आप वहाँ बैठ के खा सकते हो एंड यू कैन इन्जॉय द व्यू. सिंस दिस कैसल इज लाइक ऑन टॉप ऑफ द टाउन एंड बिल्कुल एज पे है, सो इट्स लाइक बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यू गेट एन अमेजिंग व्यू. एंड द सन इज गोइंग टू सेट इन फ्रंट ऑफ अस. हाउ एवर सनसेट अभी इतना अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज इट्स कवर्ड विद क्लाउड, बट वी आर प्लानिंग कल आके यहाँ से हम व्यू देखेंगे सिंस इट्स वेरी क्लोज टू द प्रॉपर्टी वेयर वी आर स्टेइंग. एंड इतना सुंदर बना हुआ है ना कैसल, लाइक द वुडन डिटेल्स, द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है. Nagar Castle, which goes downhill, it takes you to the famous Gauri Shankar Temple, which is again another tourist spot. And a lot of temples in Nagar have been mentioned in Hindu scriptures, and Gauri Shankar Temple is one of them. Thank you.
बनाया गया था 12th century AD में एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड जिसका स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी ऊपर से जो है इट इज़ डोम शेप्ड एंड नीचे से जो गर्भगृह जिसे कहते हैं दैट इज़ स्क्वायर शेप्ड तो जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है इट इमिटेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द माउंटेन्स एंड द डिटेल्स आर अगेन वेरी इंट्रिकेट सारा स्टोन का बना हुआ है gorgeous view of the day. At the property and we ended the day by going to a famous cafe in Nagar which is Wool's Cafe and वहाँ के desserts इतने अच्छे होते हैं and the veg momos जो वो freshly prepare करते हैं so this was recommended to me by a friend and we tried that out हमने वहाँ की banoffee pie भी try करनी थी but it was out of stock so वो कल जाके हम try करेंगे and we'll have our dinner right here in the property itself and tomorrow hopefully we will get up early and see the sunrise here in Nagar Sun is up today and I'm loving it like it feels so good thandi thandi hawa aur saath mein ye dheemi dheemi dhoop I am all ready and this is what I am wearing the outfit is from Myntra obviously carrying a jacket because chahe dhoop nikal aayi hai halki halki hawa abhi bhi chal rahi hai and today we have a few places to explore and obviously cafe hopping so let's go last night ke hum Wool Cafe aayenge banoffee pie try karne and that's the first thing we are doing today meetha kaafi hai par श्री कृष्णा मुरलीधर टेम्पल यू हैव द ऑप्शन कि आप रोड पे वॉक करके भी जा सकते हैं एंड देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ वॉकिंग ऑन स्टेयर्स सो वी आर वॉकिंग थ्रू द स्टेयर्स एंड इट्स लाइक 500 मीटर्स एंड
बिल्कुल स्टेयर्स में एंड में आके दे हैव टोल्ड अस टू टर्न राइट एंड दैट्स हाउ वी विल रीच द टेंपल. वी आर बैक ऑन द प्लेन रोड. वी रियली फेल्ट लॉस्ट फॉर अ मोमेंट बट डोंट रिलाई ऑन गूगल मैप्स. मतलब आप ओपन करके एक रफ आइडिया ले सकते हो बट कीप आस्किंग पीपल ऑन द वे एंड एंड में आके आपको बोर्ड दिख जाएगा एंड दैट्स हाउ यू रीच द टेंपल. Finally, we have reached. Oldest one in this region, like one of the oldest temple in this region. And initially यहाँ पे entrance जो थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को allowed थी. However, it's not possible to see कि कौन अंदर enter कर रहा है कौन नहीं. तो अभी जो है इन्होंने entrance सबके लिए open कर दी हुई है temple की. However, जो अंदर गर्भगृह का area है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ के local लोग ही जा सकते हैं. एंड अंदर जो है एज डिपिक्टेड बाय द नेम राधा कृष्ण को पूजा जाता है. द डिसेंट वॉज प्रिटी क्विक. इट हार्डली टुक अस 10 मिनट्स एंड यू आर सुपर हंगरी अब बिकॉज सुबह की सब बनोफी पैक खाई है एंड वो मंदिर पहुँचते पहुँचते सारी निकल ही गई. एंड द कैफे दैट वी आर गोइंग टू इज़ द वन जो हमारे ओनर का ही है जहाँ पर हम रह रहे हैं अनवाइंड नगर. सो उन्हीं का कैफ़े है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमने हल्की सी हाइक शुरू की थी फॉर टेम्पल. I have ordered graniki for myself. I know मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ बट इट्स लाइक मैश्ड पोटेटोज एग कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके पैनकेक्स बनाते हैं. आई वॉज आस्किंग फॉर अ पैनकेक बट दे सजेस्टेड आई शुड ट्राई आउट दिस न्यू डिश. हाउ एवर इसका टेस्ट काफ़ी ब्लैंड है. लाइक आई usually enjoy spicy food so not something I would choose. No, is like such a pet friendly kind of cafe. There was a cat, there is a husky and a lebra as well. So we spent a lot of time here. Almost sunset hone wala hai and we are heading to Sajla waterfalls which is 7 kilometers away from Nagar center. To hame car ke through hi jana padega. Jacket is on. It's finally getting cold here. Let's see trek kitna hai. I'm sure jitna mandir ke liye hum chale utna to nahi hoga.
चटनी मैंने पहली बार देखी है। Just came back to the property and it was an amazing day. Such a slow travel, something that I don't usually do. But Nagar mein काफी limited places है देखने के लिए and we have covered majority of it. सिर्फ एक place रह गई है देखने वाली which is the art gallery. Since आज Monday था, Monday को close होती है, Sunday को भी open होती है, तो कल हम वो देखेंगे before we leave Nagar. दोपहर की बस है हमारी and it was amazing to end the day at the waterfall. हम काफ़ी time वहाँ बैठे रहे. Eventually when the sun came down we had to leave and हम dinner यहाँ पर ही मंगवा लेंगे. We are gonna call it a day. I'll see you guys in the morning. The trip comes to an end and my god, Nagar is a beautiful place. I don't know मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई, like away from the crowd of Manali. बिकॉज लोग यूजली एज आई टोल्ड वन डे ट्रिप लेते हैं मनाली से एंड दे सी ऑल द प्लेसेस द टूरिस्ट प्लेसेस एंड दे गो बैक. हाउएवर आई एम प्लानिंग कि मैं लॉन्गर टाइम के लिए आऊँगी यहाँ पर एंड आई एक्सप्लोर सम ऑफ द हिडन जेम्स इन नगर एज वेल. एंड नगर से ना काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्रैक्स भी निकलते हैं, दो हम इतना कुछ कर नहीं पाए ट्रैक्स से रिलेटेड. हाउएवर वंस आई कम हेयर आई डू दैट एज वेल, क्योंकि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी बहुत अच्छे से हो सकता है. द नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ गुड एंड द प्लेस जहाँ पर हम रह रहे हैं अनमाइंड नगर, इनका वाईफाई भी बहुत अच्छा है. वॉज वर्किंग फॉर फ्यू आवर्स बीच में. हाउएवर वी हैव अ बस टुडे एंड वी आर लीविंग फॉर चंडीगढ़. उससे पहले वी हैव वन प्लेस टू सी विच इज़ द फेमस म्यूजियम एंड वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेसेज इन नगर. सो वो म्यूजियम जो है मंडे को ना बंद होता है, तो इसलिए कल हम देख नहीं पाए, आज देख कर जाएंगे. एंड आप भी आ रहे हो तो ये माइंड में रखना, संडे को भी इवन वो ओपन होता है बट मंडे को सिर्फ बंद होता है. उसके बाद वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सम नाइस कैफे, बिकॉज काफ़ी सारे कैफेज़ हैं अगेन नगर में. तो आप अगर एक हर दिन कोई नया कैफे भी एक्सप्लोर करना चाहते हो आप कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट वी विल कॉल इट अ ट्रिप. आर्ट गैलरी. सो यहाँ पहुँचने के लिए ऑब्वियसली यू कैन डू द वॉकिंग विच इज़ अ 30 मिनट्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम नगर कैसल. हाउएवर हमें लेट नहीं होना था बस के लिए एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ वॉकिंग. सो वी टुक एन ऑटो विच कॉस्टेड अस 100 रुपीज़ एंड एंट्री टिकट जो है वो है 50 per person. सो दिस गैलरी इज मेड लाइक दिस गैलरी वॉज द होम ऑफ निकोलस रोयरिच हु वॉज अ रशियन पेंटर एंड उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई कलेक्ट की वो यहाँ इस म्यूजियम में रखी गई है.
you just need to spend like 30 minutes to 1 hour max at the gallery. And once we left from there, we saw beach mein unke name pe trust bhi hai, and then there's a hall and a full estate in his name, so he was quite a wealthy man, dude. अगर जब भी आना है तो पतली कूहल तक आपको बस मिलेगी, एंड वहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी तक की कैब कर सकते हो. स्टैंडर्ड प्राइस जो रहता है वो रहता है 400 to 500 अगर आप नगर कैसल के आसपास ही बुक कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी. एंड फॉर ब्रेकफास्ट वी वेंट टू वूल्स कैफ़े. हमारा प्लान था कोई नया कैफ़े ट्राई आउट करने का, बट यहाँ पर ना कैफ़ेज़ की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो कभी भी ओपन हो जाते हैं, कभी भी क्लोज हो जाते हैं. एंड लाइट भी नहीं थी, तो कहीं भी कॉफ़ी भी नहीं मिल रही थी. एंड सो वूल कैफ़े में ही हमने खाया. नॉट दैट वी आर कंप्लेनिंग, वहाँ का फूड एंड डिज़र्ट बहुत अच्छा है. सो जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो, वूल कैफ़े, डाउन टाउन कैफ़े एंड अनवाइंड नगर, सो ये कैफ़ेज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हो. देन देर आर होम मेड बेकरीज एंड जर्मन बेकरीज, आप वहाँ पर भी डिज़र्ट्स ट्राई कर सकते हो. ऑल दीज आर माई रिकमेंडेशंस. एंड इफ़ यू गाइज फाउंड दिस अ वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया चैनल्स. वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स देती रहती हूँ, लाइक टाइमली अपडेट्स आती रहती हैं अबाउट माई ट्रैवल एंड लाइफ. एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.